Hello friends, welcome to my channel The Table Delights. So today I'll be showing you how to prepare eggless vanilla sponge cake. Oven based recipe है पर आप इसे कुकर में भी बना सकते हो. रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको मेरे सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहे. ओके, सो सबसे पहला स्टेप है कि आप एक बेकिंग पेपर लीजिए और टिन के साइज़ के अकॉर्डिंग आप उसे कट कीजिए. ये मोल्ड की साइज़ 6 इंच है और आप इसे अच्छे से बटर या ऑयल के साथ ग्रीस कीजिए बेस और पूरी साइड कॉर्नर्स भी. मिक्सिंग बाउल में हम लेंगे 200 ग्राम्स कंडेंस मिल्क. नेस्ले या अमूल आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो. उसमें ऐड करेंगे 50 ग्राम्स ऑफ अनसॉल्टेड बटर. सभी इंग्रेडिएंट्स रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए. मैं इलेक्ट्रिक बीटर से इसे मिक्स करूँगी. अगर ये नहीं है तो आप स्पैचुला की मदद से इसे मिक्स कर सकते हो. थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा बट इट्स फाइन. अब ऐड करेंगे 3 स्मॉल स्पून ऑफ पाउडर्ड शुगर. कंडेंस मिल्क काफ़ी स्वीट रहता है इसलिए मैं शुगर कम ऐड कर रही हूँ. ऐड करेंगे 1 कप मैदा और इसे प्रॉपरली सीव कीजिए. इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा. मिल्क रफली 1/2 कप जाएगा बट पूरी क्वांटिटी एक साथ नहीं ऐड करनी है. स्पैचुला की मदद से आप इसे अच्छे से मिक्स कीजिए. अगर आप इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ कर रहे हो तो मैक्सिमम 30-40 सेकेंड्स ही आप यूज़ कीजिए. ये ओवर बीट भी नहीं होना चाहिए वरना केक सॉफ्ट नहीं बनेगी. अब ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून ऑफ वेनिला एक्सट्रैक्ट या एसेंस एंड 1 टेबलस्पून ऑफ विनेगर. मैंने यहाँ एप्पल सिडर विनेगर यूज़ किया है. आप वाइट विनेगर भी यूज़ कर सकते हो. आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हो. ये ड्रॉपिंग फॉर्म में है. ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए. अब ये बैटर को हम केक मोल्ड में ट्रांसफ़र करेंगे और इसे रखेंगे प्री हीटेड ओवन में. अगर आप इसे कुकर में रखते हो तो कुकर में आप नीचे सॉल्ट को स्प्रेड कीजिए. 5 मिनट के लिए उसे प्री हीट कीजिए और विसल और उसकी रिंग निकालना ना भूले. तो टेम्परेचर मैं यहाँ 170 सेट कर रही हूँ और दोनों रॉड सेलेक्ट करने हैं एंड आई एम कीपिंग इट फॉर 30-35 मिनट्स. 30 मिनट्स होने के बाद मैंने एक बार टूथपिक से प्रिक करके चेक किया था बट टूथपिक वाजंट दैट क्लियर. सो मैंने फिर से 5 मिनट के लिए रखा था बेकिंग में. तो आप देख सकते हो कि ये स्पॉन्ज कितना सॉफ्ट हुआ है. और चलिए मैं इसे कट करके दिखाती हूँ आपको.
ये टेक्सचर आप देखिए, ये कितना पोरस है अंदर से। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए एंड प्लीज़ गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। हैप्पी कुकिंग।